अच्छा यार अभी रे अभी मैं टॉप लेके आया ठीक है। अब इसके मुताबिक हमने इसको बनाना है ठीक है। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमने एक ही देखो कट में जाकर सिंगल लाइन लेनी है ठीक है। एफ फोर दबाना है इसको बोथ साइड करना ठीक है, और दोबारा एफ फोर बोथ साइड ये करना, दो कर ले लिए इसको हमने रेड कलर दिया बंद कर दिया ठीक है। अब हमने सेंटर बनाना है, हमने सेंटर बनाना है अपना खुद ए आई को कैसे हमें सेंटर में लेके आना है। सबसे पहले डायमेंशन में जाएंगे और उसकी लेंथ नापेंगे ये है कितना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमें चाहिए 70 ये है 60 mm। ट्रांसफॉर्म में जाएंगे स्केल 3D F4 और इसको हम बड़ा कर देंगे, ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया हम जस्ट ये देखो ये 64 पे पहुंच गया हमारा, ये हमारा 70 पे पहुंच गया क्योंकि ये प्रॉपर हमारा साइज आ गया। हमें इसको वाइट कलर देना है, उसके बाद हमने क्या करना है यहाँ जाना है और इसको यहाँ से पकड़ना है, ये वाला जो इस पे ये नोक है हमारी ये वाली नोक है इसको यहाँ पे ले आना, ये खोल देते हैं ये खोल देते हैं तो यहाँ ले ठीक है। अब देखो यहाँ अब क्या करना है, हमने ये रोटेट पकड़ना है यहाँ रखना है, एक यहाँ रखना है और एक ये देखो ये स्टेट हमारा सीधा होगा, लेकिन अभी ऊपर से ये देखो ये लाइन लाइन पे नहीं है, ये इधर है लाइन हमारी इधर है। हम क्या करते हैं एक ये ऐसे कर देते हैं, आ गया इधर से भी सेंटर आ गया, इधर से भी सेंटर हो गया हमारा, इधर से भी हमारा प्रॉपर सेंटर हो गया ठीक है, ये हो गया हमारा ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको हमने एक कलर दिया हुआ है इसको लॉक कर दिया ठीक है। अभी हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट हमारा साइज आ रहा है, हमने इस चीज़ को सेंटर में करना है, बाकी जितना भी काम है ना ये हमने खुद बनाना है। अब ये पॉइंट पकड़ा हुआ एक हमने यहाँ पर इसको ये वाला कलर दे दिया तो आएगा ठीक है। उसके बाद हमने इसको कर देना ठीक है, ये चारों हमारे आप मिरर क्वाड लिखा ना चारों तरफ आ गया, इसको हमने कर दिया ज्वाइंट कर दिया। अब हमने क्या करना है, इसको हमने ऑफसाइड कर्व करना, ऑफसाइड कर्व ऑन सरफेस नहीं करना, ऑफसाइड कर्व करना। इसको हम करते हैं 0.7 करते हैं ये 0.7 ठीक है, ये हमारा एक बन गया हाथ। डायमेंशन दोबारा देख लेते हैं यहाँ से कितनी है ठीक है ओके, यहाँ डायमेंशन फर्क आ गया, इसकी डायमेंशन देख सकते हैं, इसको दोबारा यहाँ से ना ठीक है, ये और ये ठीक है, ये है 73 mm। सारे को सिलेक्ट किया, 3D पकड़ा और कुछ 3 mm छोटा करना है ऐसे ठीक है, ये हो गया 70 ठीक है। अब इसको हमने ये कलर दे देना, ये हमारा लॉक हो गया ठीक है। अभी हमारे ये चीज़ बन गई हमारे ठीक है, इसको नाप लेंगे कितना है हमारा, ये हमारा हो गया 50 mm ठीक है, ये 50 mm है, लेकिन यहाँ पे जो अगर तस्वीर में देखें तो उसके मुताबिक इसकी चौड़ाई आ रही तकरीबन हमारी 53 mm ठीक है, ये 53 mm है और ये हमारी तकरीबन इसकी है ये 53 mm है और ये हमारी 70 mm ठीक है, 70 और 53। अब हम क्या करेंगे, इसकी थोड़ी सी चौड़ाई है ना, इसकी जो विड्थ है थोड़ी सी हम बढ़ा देंगे ठीक है, इसको पकड़ा और हल्का सा इसको ऐसे कर, ये हमारी 53 होगी ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ से हमारी नापते हैं इसकी ये और ये 70, 46, 53, 64 ठीक है, ये प्रॉपर हमारी सेटिंग आ गई। तस्वीर को ज़्यादा नहीं वो करना, अभी पकड़ा हमने इसको पैच कर दिया
ठीक है, ये हमारा पैच हो गया और इसको हमने यहाँ से ट्रिम कर दिया, ठीक है। और ट्रिम करने के बाद अब हमने क्या करना है, इसको हमने ऑफसेट करना है। इसको ऑफसेट करते हैं हम 0.6 का, 0.7 का, ये हमारा 0.7 ऑफसेट हो गया। और ये इसको हम एक्सट्रूड सरफेस करते हैं, स्ट्रेट 0.7 सॉरी माइनस 0.7, ठीक है, ये हमारा। अब इसके ऊपर जो हमें लेनी है, ये हमारे कर्व मौजूद है, ठीक है, इसका हम लेते हैं ट्रिम कर्व, ये आ गया प्रॉपर आया हमारा। अब इसको हम ये वाला कलर देते हैं और इसको अब हमने क्या करना है, इसमें हम वाटर बनाना है, क्या बनाना है, इसमें तो यूज हुआ है, इसमें वाटर बनाना है हमने, इसमें वाटर बनाना हमने इसको। और अच्छा अब ये देखो कि अब हमने ना इसका वाटवा बनाना है, ठीक है, ये हमारा कर्व है, ये हमारा कर्व है। अभी थोड़ा तंग करेगा, हम क्या करते हैं इस कर्व को ना चार हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। ये बाहर वाले दो कर्व मैं डिलीट कर रहा हूँ, इसको मैं रख रहा हूँ, ये हमने इसको ब्लास्ट किया, ये हमारे दो कर्व हो गए, ठीक है। और एक मिनट, एक गलती हो गई, इसको हम करते हैं बोथ साइड 0.3, ताकि ये मैंने इसलिए किया था कि जो हमारा वाटवा बने ना वो इस चौड़ाई के अंदर अंदर है, इससे बाहर ना निकले, ठीक है, समझे मेरी बात। अब यहाँ पे ये देखो, ये है हेलिक्स, इसको पकड़ा अराउंड कर, इसको पकड़ा, ठीक है। अब हमने यहाँ पे टर्न्स बढ़ाने हैं, यहाँ पे 5 है ना, हम 20 कर रहे हैं और इसको करते थे 0.2, ये ठीक है, लेकिन यहाँ टर्न्स 30 कर देते हैं, ये 0.2 ही है। राइट क्लिक, दोबारा राइट क्लिक करें कमांड से, कमांड में अराउंड कर, इसको क्लिक किया, फिर राइट क्लिक और फिर अब ये, ठीक है, ये आया हमारा, दोनों को पकड़ा, सॉलिड में गए, कर्व में गए, 0.3 आया हमारा वाटा। इसको हम थोड़ा सा ना वो कर देते हैं, ये जो 0.2 हमने एक अराउंड कर, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे गए, तो हमने 0.2 किया ना, 0.15 कर, ये 0.15, अब इसको हम करते हैं 0.3, ये आ गया। तो हम उतना ही इसको मोटा ही रहने देते हैं, इंडेक्स अराउंड कर 0.22, एंटर, राइट क्लिक, फिर राइट क्लिक, ये और ये, अब हम इसको करते हैं 0.2, हमने किया था ना, 0.25 करते हैं, ये आया था ये वाला, इसको हमने कर दिया कैप प्लान है सॉलिड हो, ठीक है, ये हमारा आ गया, ये हमारा आ गया। अब आसानी ये रहेगी कि इसको हमने ग्रुप किया और इसको चारों तरफ क्वाड कर दिया, ये हो गया, 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 इसको हमने ज्वाइंट ग्रुप कर लिया, इसको हमने सरफेस निकाली दी। और ये देखो, अब सरफेस को ऊंचा कर लो या आपकी मर्जी है, बांटने को नहीं चाहिए, ये देखो इसको यहाँ रखो इस जगह, ठीक है, ताकि इसके अंदर ये थोड़ा सा अंदर ही रहे। अब इस सारे को पकड़ो और ग्रुप कर लो, ठीक है, ये ग्रुप हो गया, ग्रुप बना डाल। अब ग्रुप इसलिए करना है कि अगर बाद में हम पीस उठाएंगे तो ग्रुप ही देखो, अब ये अनग्रुप है, अब मैं एक को सरफेस को लाऊंगा तो वो ये हिल जाएगी सरफेस, वाटर उधर ही रह जाएगा, समझ आई, इसलिए ग्रुप करते हैं पीस को। इसको ये वाला कलर दे देते यार, ताकि आसानी रहे, ये वाला। अब सारे को हमने ग्रुप कर लिया, ठीक है, ये हमारा हो गया तैयार। अब हम एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे सेव एज कर लेते हैं, ताकि परेशानी ना करें हमारा, ठीक है, ये हमारा सेव हो गया काम हमारा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये देखो, अब हमने ना इसलिए देखो, ये कागज है, हमने इसके ऊपर पेपर के ऊपर नापना है साइज कितना है इसका, ठीक है, ये देखो, ये हमारा आया 16 mm, ठीक है। अब हमने 16 mm का एक राउंड लेना है, ये सर्कल लिया, यहाँ पे लिखा 16, ये 16 mm आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, अब सबसे पहले हमने एक ना इसके अंदर सरू लेना या गिल्ली लेने, वो हमारी मर्जी है। जेम्स में गए, ये जेम में गए, ये बंद किया, ये मार्क्यूस, ठीक है, ये पकड़ी, ये दो चार ही गिल्ली पकड़ ली, ठीक है, हमने इसको हम इधर लेना, ये हमारी आ गई इधर। हम इसको दो चार को छोड़ के हम 2.5-5 कर लेते, हम 2.5-5 कर लेते, हमने इसको ये कर लिया,
यहाँ पे कर लिया ठीक है। उसके बाद हमने ये देखिए ऑप्शन ये लिया जेम प्रोफाइल लिया और ये हमने और इसको मेगिने को ना इसको जेम को हमने हाइड कर दिया ठीक है। अब हमने अगर ना ऑफसेट कर ले ऑफसेट कर हमने लेना है पॉइंट फोर लिया इसको पकड़ा और इसको हमने पैच कर दिया ये पैच और ये रेड ठीक है कमाल से बाहर। और इसके बाद हमने इसको हमने करना ऑफसाइड ठीक है ये देख ऑफसाइड कर दिया 0.6 ये हमने 0.6 कर दिया इसको तस्वीर हमने हाइड कर दी ठीक है। अब हमने क्या करना है यहाँ एक देखो सॉलिड में गए यहाँ आई है सिलेंडर में क्लिक किया और इसके स्नैप खोली और यहाँ पे हमने क्लिक किया। अब हमें जितना साइज का संग बनाना है ना तो हम बनाते हैं ये देखो हम इसको बनाते हैं 0.6 का रंग ठीक है ये 0.6 आ गया और जंग हमने इतना रखना बस ताकि नगीना आराम से बैठ जाए ये देखो ये देखो ना ये नगीना रख के देखो कि नगीना कहाँ रखा जाएगा और कितना चढ़ना है बस नगीना इतना बहुत है इससे ज़्यादा नहीं करना यहाँ नगीना हमारा जड़ा जाएगा जंग इतना भी ठीक है वैसे ही लंबा है थोड़ा सा जंग लेकिन मैं एहतियात रख रहा हूँ 0.3 इसको 0.3 करा हमने ये सॉरी राइट क्लिक ये सेट ऑल 0.25 देखो कोई राउंड बन गया ठीक है बन गया राउंड उसका लेकिन हमने हाइट कर दिया इसका। अब हमने क्या करना है इसको पकड़ना है हमें ट्रांसफॉर्म में जाना है सेकेंड विंडो फ्लो ऑन कर ये पकड़ना है ठीक है और हमने इसको डिवाइड कर देना है तकरीबन 10 पे कर देना ये हो गया हमारे 10 है ठीक है तो सारा ग्रुप किया इसको भी ग्रुप कर दिया देखो आप लोग खुद ही आइडिया हो रहा होगा नगीना हमारा यहाँ रखा जाएगा जड़ैया आराम से चढ़ जाएगा ठीक है। अब हमने क्या करना है अब हमने एक सरू बनाना है यहाँ गए जेम शेप में गए ये पियर ठीक है इसको हमने लिया तकरीबन ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ये वाला 4-3 ठीक है या पियर ले लेना ठीक है। अब हमने एक जेम प्रोफाइल में इसमें भी गए राइट क्लिक जेम को हमने हाइड कर दिया ठीक है और अब इसका भी हमने ऑफसाइड लेना ऑफसाइड कर 0.5 ले ठीक है ये आ गया ठीक है इसको हमने पैच कर दिया और ये ट्रिम कर दिया ये ठीक है उसके बाद हमने उसको ऑफसाइड करना है 0.6 ठीक है ये 0.6 हो गया हमारा उसके बाद दोबारा से हम यहाँ गए और ये इसको हम इसको भी हमें रंग देना 0.6 ठीक है और इसका भी नगीना रखो और नगीना रख के देखो कितनी हाइट पर रंग जाएगा ठीक है नगीना यहाँ रखा जाएगा यहाँ पे उसके बाद ये रंग जाएगा ठीक है इसको फ्लिट कर दो ये भी हमारा गोल हो गया समझे देखो ठीक है अभी रंग लग गया हमारा अब वो हमारा प्रोफाइल प्लेसर तो खैर डिलीट हो गया हम इसके डुप्लीकेट आई ले लेते हैं ठीक है और इसको हमने ज्वाइन कर दिया ठीक है ये रंग पकड़ा वापस गए यहाँ पे अरे ऑन कर और ये हमने कर पकड़ा और इसको 10 पे डिवाइड कर दिया 10 रंग बन गया हमारे उसको ग्रुप किया और नगीना भी ग्रुप किया ठीक है ये ग्रुप हो गया। अब इसको ये देखो ये है रोटेट पकड़ा F4 और ऐसे इस डायरेक्शन में इसको घुमा दिया गम बॉल को MSR इसको इससे कंट्रोल से थोड़ा सा रोटेट किया इसको यहाँ लेके आए और ऐसे रोटेट कर दिया यहाँ ताकि जंग आपस में टकराए ना ठीक है इसको हमने यहाँ पे ऐसे लगा दिया समझे मेरी बात। अब हमने क्या करना है बीच में अब इसको हम पकड़ते हैं ठीक है दोनों को ऊपर ले जाते हैं थोड़ा सा ऊंचा कर लेते हैं ये ठीक है इसको हम करते हैं रोटेट ऐसे ये हमारा रोटेट हो गया देखो नमूने में भी ऐसे ये रोटेट हो गया ठीक है। उसके बाद ये रोटेट होगा हमारा रोटेट 3D वहाँ से मैं रोटेट नहीं कर सकता वहाँ से रोटेट करूँगा सही होगा नहीं खराब हो जाएगा एक पॉइंट यहाँ रखा दूसरा पॉइंट इसका यहाँ रखा इसको बंद किया हमने और इसको हमने ऐसे ठीक है थोड़ा सा नीचे कर दिया तकरीबन दोनों लेवल पे आगे अब इसको हमने करा यहाँ पे और ऐसे कर दिया। अब हमने दोनों को पकड़ा और अरे बॉलर F4 पहले 6 कर दिया
छः पे डिवाइड कर दीजिए ग्यारह बोलो सौ की पाँच करना है, पाँच में से नहीं आ रही, छः भी करना पड़ेगा छः। उसके बाद यहाँ करो ठीक है, इसको यहाँ पे ले आना और ये इसकी देख रहे हो इसकी डायरेक्शन ये छः होगी हमारा छः थोड़ा बहुत थोड़ा सा अंदर ले आता इस जगह ऐसा सर, इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर लें ये होगा हमारा ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमें राउंड लेना बड़ा दाना। अब ये दाना हमारा रहेगा कितना चाहिए, अब ये कितने साइज का दाना ये भी देखते हैं, छः है ना ठीक है। अब इसको भी हमने ऑफ साइड कर करना ठीक है, ऑफ साइड कर करने के बाद इसको ये दे दो जरा, इसको हमने करना है पॉइंट सिक्स एंटर ठीक है। इसको भी हमने पैच करना है और राइट क्लिक और इसको हमें क्रॉस करना है ये मेरे लोग ठीक है। अब इसको भी हमने तकरीबन ये दे देते हैं 1.2 ठीक है, ये 1.2 आ गया, इसको हम डिलीट कर देते हैं। और इसका भी हमने उसी तरह सॉलिड में जाके सिलेंडर लेना है ठीक है, और इसका हमने एक जंग बनाना है इधर इधर ऐसे 0.7 ठीक है, ये 0.7 हमारा आ गया यहाँ रखा, तो इसको ऊपर से गोल कर दिया ठीक है। सेट ऑल 0.35 ठीक है, सॉरी सेट ऑल 0.3 ठीक है, ये इधर आ गया हमारा। उसके बाद हम यहाँ जाएंगे एस से ठीक है, हरे बॉलर F4 और उसको डिवाइड कर देते हैं हम तकरीबन कोई जगह को 12 में 12 15 कर देते हैं ये वाले पता 16 कर दो यार, ये 16 हम नहीं करते ठीक है, ये 16 जगह हमारे डिवाइड हो गए। और ये पकड़ा इसको हमने ग्रुप कर दिया ठीक है, ग्रुप कर हमने इसको ग्रुप किया और अब ये हमारा ये राउंड हम डिलीट कर देते हैं ठीक है। मैं ऐसा खाना खाने ये देखो अभी हमारा ये पूरा पीस तैयार हो गया ठीक है। अब हम देखो जो हमारी तस्वीर थी ना उसको लेके आते हैं, देखो तस्वीर के मुताबिक हमारा पीस सही आया ठीक है। अब हम ये सरू हमने जैसे बना के रखा हुआ है इसको हम करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यूटिलिटी में गए ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसको दबाया और ये प्ले कर सेंटर कर दिया ठीक है। यहाँ जाएंगे हम उसको पहले रोटेट सीधा करेंगे ये एस से ठीक है, और एस से उसके बाद हम इसको दोबारा रोटेट करते हैं, इसको हम सीधे ले आते हैं सर ये देखो ये आएगा हमारा इस तरफ ठीक है, थोड़ा सा बड़ा होगा ये, इसको हम 2D से बड़ा करेंगे, 3D से बड़ा करने में ये होता है गेज मोटा हो जाता है, 2D से बड़ा करते हैं ये एस से ठीक है, वो भी करते हैं इसको नीचे ना यहाँ पे आएगा ठीक है। इसको पूरे फूल को हमने पकड़ा ग्रुप किया और उसको ले गए यहाँ पे ऐसे इतना ऊँचा, इसको हम लेके आए इधर थोड़ा सा पीछे किया धंके करिए यहाँ पे, अब रोटेट कर दिया ऐसे तो ये हमें गुलाई में बनाना है इसको। अब गम बॉल को हमने कंट्रोल दबाया और हमने इसको यहाँ ले यहाँ ले और हमारा अब ये फ्रेम भी हमारा आ गया ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये एक गिल्ली लेके आए सॉरी एक ग्रुप होगा इसके साथ ये हो गई, ये हमारी गिल्ली आ गई ठीक है, ये हमारे सेंटर में आ गई। अब हमने सेंटर में लाने के बाद इसको हमने यहाँ लेके आना इसको ना इस जगह ठीक है, ऐसे इसको दिल्ली को हमने बड़ा कर लेना, ये हम ले आए इसको इधर ठीक है, ये हमारी इधर आ गई दिल्ली। अब हमने क्या करना है, अब हमने बनाना है इस ये देखो ये एस बना हुआ है, हमने एस बनाना है, एस बनाने का सीधा तरीका ये देखो ये सॉलिड में गए ये डी लिखा हुआ है टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको लगाया यहाँ एस लिख दिया ऐसा आ गया हमारा, ये देखो कर्व लिखा हुआ है ना, अगर सरफेस पे क्लिक करोगे तो सरफेस बनी हुई आएगी, कर्व पे करोगे कर्व आएगा, हमने कर्व पे क्लिक किया ये हमारा ऐसा आ गया
इसको ब्लास्ट कर दिया, इसको अनसेलेक्ट किया, इसको अनसेलेक्ट किया, इसको यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से बाकी डिलीट कर दिया, ठीक है। इसको हमने कंट्रोल कर दिया ज्वाइन, स्केल 1D थोड़ा सा लंबा गया, कंट्रोल पॉइंट दिया इसको थोड़ा सा नीचे ले आया ऐसे, इससे यहाँ गुलाई कर ली थी, ठीक है। एक काम करते हैं, कर मैन्यू में गए, देखो इंटरप्ट कर लिया, इसके ऊपर चला दिया, ठीक है, लेयर चेंज कर ली, यहाँ आए थोड़ा सा यहाँ गुलाई कर ली, इसको डिलीट कर, ठीक है। अब इसको कंट्रोल पॉइंट लेके हम सेट कर लेते हैं ऐसे ऐसे, और ये ऐसे हो गया, ठीक है। ये इसका जहाँ हल्का सा इसको गुलाई कर दी, ये देखो ये हमारी गुलाई, ये देखो थोड़ा सा नीचे ले, बन गया ऐसा हमारा। इसको सेंटर ऑब्जेक्ट कर लें, सेंटर ऑब्जेक्ट किया इसको, ठीक है। उसके बाद हम इसको ले आए इधर, ठीक है। इसको हमने किया रोटेट, सॉरी इसको हमने मिरर कर, ये हमने मिरर किया, ये वाला हम इधर ले आए, ठीक है। इसको अब हम करते हैं रोटेट, रोटेट करके हम इसको सेट कर लें। अब पहले इसको हम कर लेते हैं तकरीबन इसको दो, हम करते हैं 1.5 थोड़ा ही सा, ठीक है। 1.5 हमने ऑफसेट किया, ये हमारा एस बन गया, ठीक है। इसको अब हमने क्या करना है, इसको हमने एक कर्व यहाँ देना है, एक कर्व हमने यहाँ देना है, एक मिनट सॉरी, ये हमारा जैसे जा रहा है इधर, इसको हम करते हैं 1.2, ये हमारा 1.2 आ गया, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा आ रहा है यार ये, काम करते हैं इसको, इस पर ट्रेस करते हैं यहाँ से, थोड़ा यहाँ से हम इसको ट्रेस करते हैं, ये ऐसे, अगर कोई ऑब्जेक्शन भी ना लगे कि यार हमने आपको तस्वीर दी थी आपने ऐसे नहीं बनाया, ये कंट्रोल पॉइंट दिए इसको, ये दबाया और हमने इसको यहाँ ऐसे सेट किए, ठीक है। ये देखो हो रहा सेट, सॉरी ये कंट्रोल दिए इसको, ठीक है। इसके बाद इसको ऐसे लगाना है, फिर ये यहाँ से ऐसे करना है, ये इधर आएगा, ठीक है। ये हमने इधर ले आना है इसको नीचे थोड़ा, ठीक है, ये इधर आ गया हमारा। अब देखो ये हमारा एस बन गया, अब ये देखो ये हमने एक तरफ 1 mm का एस लेते हैं, ऑफसाइड 1 mm लिया। अब एक चीज़ तुम नोट कर रहे हो कि ऊपर से बढ़ रही आ रही है, नीचे से छोटी आ रही है। अब ये परेशानी हमारे लिए कि हम क्या करें, इसके लिए बेहतरीन हल ये है, देखो कंट्रोल दी, इसको सेलेक्ट करना है, ऑफसाइड में जाना है, और हमने बोथ साइड करना है, 1 mm था ना, अब बोथ साइड हमने 0.5 करना है, 0.6 करना, सॉरी आ गया प्रॉपर एस। इस तरह से हमने ये एस बनाना है। अब यहाँ पे इसको हमने एक पॉइंट दे दिया इस जगह पर, और इसको हमने एक पॉइंट यहाँ दे दिया, ठीक है। अब ये हमारा सारा जॉइंट हो जाएगा, इसको हम कर लेते हैं जॉइंट, सॉरी जॉइंट किया, और इसको जॉइंट करने के बाद हमने ये एस हमारा यहाँ पे सेट हो गया, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं ऐसे, थोड़ा सा इधर निकाल लेते हैं, ये हमारा इधर हो गया। इसको हम सॉलिड में गए, ये एलिप्स में गए, एलिप्स में जाने के बाद हमें इसको टो देनी है हल्की, राउंड इसको शेप देनी है, ये देख ये एस एस समझे। अब कर्व में जाके हमें ये पकड़ना है, ये देखो प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट जो कोई चीज नीचे पड़ी हो ना उसको ऊपर लाने के लिए प्रोजेक्ट करते हैं, कोई चीज ऊपर हो उसको नीचे लाने के लिए प्रोजेक्ट करते हैं, ये हमने दबाया और ये दबाया, ठीक है। ये क्रॉस कर दिया राइट क्लिक कमांड से बाहर, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर दिया ऐसे, ठीक है, ये आ गया हमारा। अब हमने एक चीज़ हमने और करनी है इसके अंदर ना, तो बताता हूँ भैया, इसको ऐड कर दे दिया, ठीक है, और अब इसको हमने यहाँ कर दिया, ठीक है। ये इसको हमने गेज देना है तकरीबन कोई 0.45, ये 0.45 गेज दे दिया हमने। एक काम कर, सॉरी ये कर्वे पड़ी है हमारे पास,
इन कर्वो का हमने ऑफ साइड सरफेस कर लिया, ये कितना 0.3, ठीक है 0.3 किया। बीच में सी कितनी स्पेस बनी है हमारे पास, ये देखते हैं आप, यहाँ से यहाँ तक 0.8 है, ज्यादा हो रही है, हम इसको 0.4 करते हैं ऑफसेट, 0.4 ऑफसेट, ठीक है। अब हमने इसके अंदर का ऑफसेट देखना है कितना बना हुआ है, ये इसको 0.35 कर लेते हैं, ये कम हो रहा था, 0.35, ठीक है। अब हमने करना सुप्लिट, जो हमने अंदर ऑफसेट लिया ना, अब हमने क्या करना है, पहले सरफेस पकड़नी, ये सुप्लिट, अब जो अंदर पड़ी है ना कर, उसको पकड़ के हमें सुप्लिट करना है। अभी दो सरफेस बन गई, ये लगा ये लगा, अब हम इसको गेज देते हैं तकरीबन कोई 0.5, 0.45 ठीक है, ठीक है, और इसको हम गेज दे देते हैं तकरीबन कोई 1.5, नहीं इसको कम देते हैं, इसको हम गेज देते हैं 0.35, ये गेज देते हैं 0.35, इसको गेज देते हैं हम 1.2 ऑफ साइड, ठीक है। अब ये देखते हैं हमें यहाँ से कितनी स्पेस बनी है, ये यहाँ ये 0.8, ठीक है। अब देखो इसके अंदर मीना हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये मीना की बॉर्डर आ गया, ये मीना हो गया हमारा, ये आ गया हमारा यहाँ पे। अब हमने क्या करना है, ये एस को पकड़ के यहाँ पे रखना है, ठीक है, ये आ गया, ये यहाँ से ऐसे ही कर लिया, ठीक है, और दूसरा थोड़ा सा उठाया इसको, थोड़ा सा यहाँ से इसको ऐसे कर दिया, ठीक है, और यहाँ थोड़ा सा इसको ऐसे कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा नीचे करना है, इसको हम मिरर करके देखते हैं आपस में टकरा दिया नहीं, थोड़ा सी टकरा उसकी खैर, ठीक है, ये हमारा एस भी बन गया, बना, इसको हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं, बस काम को हर काम को साथ साथ सेव करते हुए जाना, ये एक आदत बनाना, ये हर काम हमें सेव करते हुए जाना, ठीक है। अब हमने एक क्या करना है, ये गिली लिया हमने यहाँ से उठा लेते हैं, ठीक है, यहाँ ले आए, ये नहीं यार यहाँ से इतनी है, ये इतनी, इसको हम एक बना लेते हैं गिली ना, हम ना इसका काम करते हैं एक ना, अभी हमने गिल्ली बना ली, अभी गिल्ली को हमने इस जगह पे सेट करना है सेंटर में, ठीक है, एक हमने इधर सेट करना है इस जगह पे, ठीक है, उसको हम रोटेट करते हैं यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे हम ले और इसको एक को हमने मिरर बना लिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, तस्वीर को हाइड कर देते हैं, गिल्ली को हम यहाँ ले आते हैं, ऐसे इसको हमने ऐसे रोटेट कर दिया यहाँ ले, दूसरी गिल्ली को हम ले आ इधर ऐसे यहाँ पर, यहाँ पे लेके आए इसको, हमने रोटेट थ्री डी पकड़ा और यहाँ पे मॉनिटर रखा और यहाँ ऐसे रोटेट कर दिया, ठीक है, इसको डिलीट कर दिया, अभी थोड़ा सा टिच्चा हो गया हमारा, हम इसको गम बॉल से सीधा करते हैं यहाँ ऐसे और ऐसे, ये हो, ठीक है, ये आगे हमारा हमने गिल्ली को लिया था यहाँ इस जगह, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे कर लिया, ठीक है, अब यहाँ ये यहाँ आ गया, ये यहाँ पे आ गया, और अब हमने गिल्ली को यहाँ पे रोटेट मिरर पर मिरर करना है, थोड़ा सा इसको आगे कर देते यहाँ ऐसे, ठीक है, ये तीन गिल्ली हमारी सेट हो गई। अब यहाँ पे जो है ना, ये देखो यहाँ तो उसके बनाई हुई गोल्स है, देख रहे हो, इसको हल्का सा रोटेट करते हो ऐसे, थोड़ा पीछे कर देना जगह बनने, ये हमारा हो गया, थोड़ा सा पीछे कर दिया यहाँ ऐसे, और हल्का हल्का सा रोटेट इसको, सॉरी स्केल 2D कर दिया ऐसे, ठीक है, तो हमने स्केल 2D करा, और 2D करने के बाद अब हमने यहाँ पे जेम बना लिया, सर्कल एक कर मनी में गए, गोल सर्कल लिया इसका 2 mm का, ठीक है, ले लेते हैं सॉरी ये, और ऑफ साइड कर लिया हमने इसका 0.4, ठीक है,
इसको हमने पैच किया, इसको हमने ड्रिंक कर दिया, हमने इसको ऑफसाइड, इसको भी हमने ऑफसाइड करना 0.6 का, बस ये 0.6 का ऑफसाइड हमारा। अभी सॉलिड में जाके ये है हमारा सर्कल, सॉरी सिलेंडर, उसी तरह से हमने इसका दोबारा रंग बनाना है, ठीक है। हम बनाते 0.6 का, सॉरी 0.55 का बनाते, 0.55 ये यहाँ पे आए, और इसको हमें दोबारा ऊपर से गोल कर देना 0.2, ये हमारा गोल हो गया, ठीक है। थोड़ा सा रंग को पीछे किया, इसको अब हमने अरे बॉर्डर करना है। अभी हमारा सेंटर नहीं है, हम परेशान होगी अरे बॉर्डर करेंगे, अभी थोड़ी सर्कल है, अभी सर्कल को क्लिक करना है, और यहाँ पे हमने ये देखो ऑटोमेटिक उसका सेंटर पकड़ लिया, ये दबाया राइट क्लिक। अब हमें यहाँ पे 8 रन करना है ऐसे, ठीक है। इन सारे को सिलेक्ट किया यहाँ पे, और ग्रुप ये भी ग्रुप, ठीक है। अब इसको हम ले आते हैं इस जगह पे ऐसे, थोड़ा देख ये बड़ी गंदी है, ठीक है। ऐसे आ गई जी, ऊपर आ गई हमारी थोड़ी बहुत, यहाँ पे हमने जी ऐसे रखी, और उसको हल्का था ना ऐसे कर, ये चीज हमने कर दी, थोड़ा सा हाई कर लिया उसने यहाँ, और इसको भी थोड़ा सा जी को हमने बड़ा, इसको मैं बड़ा कर लिया ऐसे, इसको इधर लिया, इसको डिलीट कर लिया, इसको मिरर कर लिया, इसको भी हमने थोड़ा सा बड़ा कर लिया ऐसे, और इसको यहाँ अंदर कर, ठीक है। ये आ गया, और हमने इसको मिरर कर दिया, ये हमारा मिरर हो गया था, ठीक है। अब हम ये वाली गिरी उठा के ये वाली, इसको हम यहाँ रखते हैं, और इसको भी हम थोड़ा सा रोटेट करते हैं ऐसे, इतना रोटेट करते, ठीक है। ये हमारी रोटेट हो गई, ठीक है। ये काम यहाँ पे हम काम को सेव करते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप चलना है, काम को सेव करते हुए जाना है, ठीक है। गलती से भी अगर मिस्टेक हो गई, हमने कुछ काम गलत कर दिया, तो बड़ा इफेक्ट करता है इसके ऊपर। अब देखो ये पूरे को पकड़ना है, इसको ग्रुप करना है, ठीक है। इस सरू को ही पकड़ना है, ये रोटेट करना है, और रोटेट कॉपी यहाँ ले आना, समझे वाली बात, ठीक है। अब यहाँ पे एक परेशानी हमें पता क्या हो रही है, ये देखो ये ग्रुप है सारा, ये ऐसे, ये ऐसे, इसको हमने यहाँ करा इतना, ठीक है। अब हमने यहाँ परेशानी हो रही है, पीस बाहर नहीं करना है हमारे, हमने इसको रखने इस जगह ऐसे, ठीक है। हमने इसको इस जगह ऐसे रखने, अब हमें जो है ना यहाँ के लिए, अब हमने क्या करना है इस जगह के लिए, अब जो ऐसे है ना ये हमारा, वो हमने रखना है दूसरी डायरेक्शन में, हमने इसको करना है इस तरह, ये तकरीबन हमारा आप समझ लो ये इस तरह से आएगा, इसका इस रुख में आएगा, वहाँ पे इसी रुख में था, यहाँ भी इस रुख में, ठीक है। ये ऐसे आएगा, थोड़ा सा छोटा करते हैं ऐसे, ठीक है। ये हमारे छोटा होगा थोड़ा सा, और हमने इसको इधर ले, इसको हमने डिलीट कर दिया, इसको भी डिलीट किया हमने, और गम बॉल को हमने सही कर, सही किया इसको, यहाँ ले आया थोड़ा सा यहाँ, और ऐसे किया ये चीज़, यहाँ ले आया, अब इसको थोड़ा सा हमने ऐसे कर, ये चीज़ यहाँ ले आया इसको, और थोड़ा सा इसको इसके साथ मिला दिया, और थोड़ा सा इसको हमने रोटेट कर दिया, ये ठीक है। थोड़ा सा आगे कर देते हैं इसको, लेकिन थोड़ा सा आगे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कि वो बिजी है हम ना करेंगे, थोड़ा सा पीछे कर देते, बहुत ज़्यादा गैप भी बन जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा आगे लेके आते हैं यहाँ पे, ये हमारी गेमिंग यहाँ से आकर पीछे का, समझे। ये पता यहाँ आगे आएगा हमारा, थोड़ा थोड़ा सा और आगे आएगा, यहाँ आ गए, ठीक है। ये यहाँ पे आया हमारा, और सेम हमारी थोड़ी सी यहाँ आ जाएगी इस जगह पे ऐसे, ये
और यहाँ भी हमारी समझे, ये हमारी यहाँ भी और इसके अंदर हमें ये रखने की जरूरत, तो एक है कि हम एक दिन में यहाँ रख देते हैं इसके अंदर यहाँ पे ऐसे और थोड़ी सी इसको ऐसे कर देते हैं, ये ऐसे यहाँ समझे, ये देखो ये हो गया हमारे, ये चीज ऐसे हो अभी तरह हमसे एक मिस्टेक हो गई, हमने यहाँ पे खेल लगाई, यहाँ भी खेल लगा ठीक है यहाँ पे समटाइम ऐसा होता है काम का ध्यान में ना पता नहीं चलता पीस कहीं लगा लग जाता कहीं नहीं लगता, थोड़ा सा पीस कहीं ना कहीं रह जाता ये यहाँ पे ठीक है, थोड़ा सा आई किया मैंने इसको मिरर कर दिया और फिर आपको ग्रोथ कर दिया ठीक है, अब इसको पकड़ा इसको पकड़ा इसको ठीक है, अब हमें करना है ग्रुप ये मिरर हो गया ठीक है, इसके लिए हम आगे ले आते हैं ठीक है, थोड़ा सा थोड़ा सा ऊंचा कर दिया लास्टली ये रोटेट ये इसके बाद हम इसको यहाँ ले आते हैं, और ये वाली जो गिल्ली है ना हमने इसको सेट करना है ऐसे ये ये यहाँ आगे ठीक है, ये ऐसे ये इधर आ गया, ये वाली गिल्ली यहाँ सेट हो गई ठीक है, अब इसको हमने मिरर कर दिया ये दे, अब हमने क्या करना है इसके अंदर जो है ना साइड वाली साइड पे यहाँ पे हम लगाते हैं एक ना यहाँ पे भाई गिल्लियों की सेटिंग होगी, सॉरी यहाँ हम करते हैं गिल्लियों की सेटिंग, यहाँ हमारी गिल्लियों की सेटिंग होगी यहाँ पे ना यहाँ पे हमारी होगी गिल्लियों की सेटिंग ऐसे ऐसे यहाँ पे इसको थोड़ा सीधा भी हमने ऐसे ऐसे और यहाँ ले आया ऐसे, अब यहाँ इसको सेट किया ऐसे हमने, अब यहाँ से यहाँ ले आया थोड़ा सा ऊंचा करते हैं यहाँ रख दिया ठीक है, और थोड़ा सा और रोटेट किया, अब हम क्या करते हैं इसके इसको इसी डायरेक्शन में आगे ले जाते हैं ऐसे, ये हम इसको सही करते हैं ठीक है, इधर आ गई हमारी हमारी इधर आ गई, इसको हमें पकड़ना है तो हमें इधर लेके आना ठीक है, एक हमारी इधर आ गई देख और हमने इसको पकड़ना है और इसको हमने किधर लिया, ये देखो ये हो गई हमारी सेटिंग सही, थोड़ा थोड़ा सा बात कर देते हैं यहाँ पे ऐसे यहाँ पे ऐसे यहाँ पे इतना कर दे यहाँ पे इसको ठीक है, इसको थोड़ा हम कर देते हैं इसको भी, अब हम इतना हमारा हो गया सेट ये ठीक है, अब उसके बाद हमने यहाँ पे ये इतनी स्पेस बच गई है ना हमारी ये वाली, अब हमने ना पहले यहाँ पे एक जेल लेनी है ये वाली पहले अब हम जेल लगाते हैं इसके यहाँ पे इस जगह पे और छोटी करके थोड़ा छोटा करते हैं देखो ऐसे, और छोटा करने के बाद हम जेल को ले जा रहे हैं ऊपर यहाँ ले आते ऐसे, और ये यहाँ पे ऐसे और फिर इसको ऐसे कर लिया ठीक है, इसको हम थोड़ा सीधा किया, सीधा करने के बाद हमें देखना है यहाँ पे जेन की तारी वरना स्केल टू डी करना है तो थोड़ा सा ऐसे स्केल टू डी कर दिया इसको हमने, इसको यहाँ रखा हमने इसको इसको यहाँ भी अंदर कर दिया ठीक है, और ऐसे कर दिया ये इतना हो गया हमारा, अब हमने क्या करना है इसको अरे बॉलर कर देना आठ पे डिवाइड करते हैं, सॉरी आठ तो नहीं आएंगे ये तकरीबन आठ बार सोलह आएगी
ये हमारे 16 में हमें डिवाइड, 16 में डिवाइड करेंगे, लेकिन हमने यहाँ पे ये वाली हमें हटानी पड़ेगी, ये वाली, ये वाली, ये हमें हटानी पड़ेगी। ये गलती हमसे हो रही है, कितनी इसकी गलती बनती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एक काम करते हैं, इसको हम रोटेट कॉपी करना है, इससे आसानी रहेगी हमें। एक यहाँ लगा दिया हमने, एक हमने इसे यहाँ लगा दिया, बिल्कुल परफेक्ट आ गया। यहाँ पे ये तीन आ गई हमारी, तीन और ये तीन, छः आ गई, ठीक है। उसके बाद हमारी ये हमारी ऐसे आ गई, ठीक है। फिलहाल मैं इसको डिलीट करने लगा, जो डिसाइड सारी एक बाद में आराम से मिलकर, ठीक है। अब जो रह गई हमारी इधर वाली साइड, अब हमने क्या करना है इसका, अब हम ये काम करते हैं इसके ना, यहाँ पे ना इस जगह पे हमने गिनिया तो दे दी है, एक एक ना इसके हमें अब पैसा देना पड़ेगा। ये देखो यहाँ ऐसे, ये ऐसे आ गए यहाँ पे भाई, और इसको रोटेट कॉपी करते हैं, रोटेट कॉपी यहाँ आ गया, ये इसको यहाँ डाल लिया, ठीक है। ये यहाँ पे और इसको थोड़ा हमें छोटी कर दी, छोटी करने के बाद गिनिया यहाँ पे, यस वहाँ बड़ी गिनती है, तो यहाँ पे छोटी यहाँ, ठीक है। ये साइज यहाँ पे छोटा आ रहा है हमारी, ये ऐसे हो। अब साथ ही हमने काम को सेव कर लेना है, ताकि इशू ना बने वो काम का ना हमारे। अब हमने यहाँ पे इसकी सेटिंग करनी है, ये होगी, ठीक है। अभी जो हमारी स्पेस बची है ना, ये वाली स्पेस जो बनी है, यहाँ पे अब हमने कुछ करना है, जीओ की सेटिंग करना है, ठीक है। यहाँ पे नहीं तो फिर हम हाँ जी लगा देते हैं यहाँ पे ना, ये जी की सेटिंग हो जाएगी यहाँ पे, जैसे एक यहाँ पे लगा दी इसके लिए, हम यहाँ पे ऐसे, ठीक है, थोड़ी नीचे करके इसके लेवल पे। थोड़ी सी स्वागत करते हैं यहाँ पे ऐसे, ठीक है। क्योंकि जगह ना बाद टाइम बनानी पड़ती है, जब यहाँ से पता नहीं चल रहा था, क्योंकि वहाँ पे जगह थी इसकी, एक यहाँ रख दी हमने इसकी, इसके हमने एक यहाँ ले आया, यहाँ आए, यहाँ पे आ गए, यहाँ से ये चीज, ये यहाँ पे ऐसे आ गए, ठीक है। क्या वो थक गए भाई, थोड़ी देर काम है, कमल होने वाला हमारा, बस ठीक है। अभी यहाँ पे आ गए हमारे, और इसके बाद थोड़ा सा हमने इसको सेट करना है, जीओ का ये अंदर कर दी मुझे, थोड़ी सी ऊपर कर लीजिए इसके लेवल पर रखे चलते ऐसे, ठीक है। अब हमने एक से और लगानी है, वो हमने लगानी है इसके इस तरह यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई ये चीज़ ऐसे, ये चीज़ ऐसे, और हल्का सा इसको हमें रोटेट करना है नीचे, हल्का सा ऐसे इसके लेवल पर रखना भी हमें, थोड़ा सा लेवल ठीक करना है इसको, थोड़ा सीरियल कर दी इसको, ये इधर आई, ये इधर आ गई। उसके बाद हमने ये करना है इसको यहाँ लेके आना है, इसको भी थोड़ा नीचे करना है, इसके लेवल पर आ गए। एक भी हमने यहाँ लगा लिया, ठीक है, यहाँ पे आ गई है, यहाँ पे ये ऐसे आ गई, यहाँ पे आ गई, ये यहाँ पे हो गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ ये एक भी यहाँ आ गई,
ठीक है, इसको भी हमने सेट करना है, लेवल पूरी सही होगा, लेवल देखते हुए चलना है, ये लेवल ना कि खराब हो हमारा, ठीक है। ये इधर आगे हमारी, इसके बाद ये यहाँ पे आ गया, ये सही लेवल आ रहा है। इसके बाद एक हमने यहाँ लगा दिया, ठीक है। ठीक है, एक यहाँ पे आई और इसको हमने सेट कर दिया इधर, ठीक है। थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा इधर लिया, ओके हो गया। और अब हमने क्या करना है, एक ये यहाँ पे एडजस्ट कर दिया, यहाँ पे एस से इसको पहले ठीक करना है, डायरेक्शन ठीक करनी है, इसके थोड़ा सा नीचे करना है, इसको इसको ऐसे करना है और अब ठीक है, ठीक है। और अब अगली दी हमारी यहाँ पे भाई, ये काम हो रहा है तकरीबन एंड पे है, यहाँ पे जी रखी इसके, थोड़ा सा फासला देना है, थोड़ी सी बड़ी करनी है, थोड़ी सी यहाँ पे, यहाँ पे आ गई, ठीक है। इसको हम आगे ले आते हैं, यहाँ पे ठीक है। अभी हमने कर लिया नीचे, यहाँ नीचे आ गए, अब ये यहाँ पे ऐसे आ गए, ठीक है। और ये हमारी तकरीबन ये सारा काम ना सेट हो गया हमारा, ठीक है। थोड़ा सा पीछे लाते हैं देखो, यहाँ पर देखो थोड़ा सा ले आते, बस ओके हो गया, थोड़ा सा इधर करते हैं, ठीक है। ये हमारा काम ओके हो गया सारा, हमने तो ये कलर दे दिए एक, ठीक है। अब हमने सारे को सेलेक्ट कर लिया, सर थोड़ा सा हमें उठाना पड़ेगा कि काफ़ी अंदर चला गया, यहाँ रखना पड़ेगा टूल को, थोड़ा सा और उठाना पड़ेगा मशीन का, ये और अच्छा लगे, थोड़ा सा आगे लिया सर को, थोड़ा सा बड़ा कर लेना आगे लिया, ये हमारा काम हो गया, ठीक है, ओके हो गया हमारा काम, ठीक है। थोड़ा सा एक काम करते हैं, इसको हम थोड़ा सा और ऊपर उठाते हैं, रुके था ना ए एस, ऐसे ही हमारा रुके, अभी लुकिंग डाउन में जाना है, लुकिंग डाउन में जाके सारे को सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसको अनसेलेक्ट करना है, इसको अनसेलेक्ट, इसको अनसेलेक्ट, इसको भी अनसेलेक्ट, ठीक है। और अब हमने सारे क्या करना है, ये बिल्ड, ये हमारा आ गया, आ गया। अब हमने सारे को दोबारा सेलेक्ट किए, ये अनसेलेक्ट कर दिया हमने पूरा पूरा पोर्शन इसका, ये अनसेलेक्ट कर दिया, ये अनसेलेक्ट कर दिया, ये अनसेलेक्ट कर दिया पूरा पोर्शन, ये ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको इधर मिरर करना, ये मिरर, ये अब हमारा ये काम मुकम्मल हो गया, ठीक है, समझे मेरी बात। थोड़ा सा इसको हम यहाँ से मजीद ऊपर उठा लेते हैं यहाँ, ताकि खूबसूरत और नजर आए, तो ये वाला सर हुआ हमारा, ये थोड़ा सा अंदर की तरफ दबा हुआ, हम इसको भी उठा लेते हैं, खूबसूरती हमें खुद देखनी कहाँ कहाँ बीच में आएगी, ऐसे ये देख रहे हो, ये भी हमने इतना उठा लेना, इसको हमें डिलीट करना है, इसको हमने मिरर करना है, और उसी तरह हमने इसको भी उठा लेना, ये गिली है ना नीचे, ठीक, इसको भी हमने उठा लेना है ऐसे, ये यहाँ पे आ गया और ये इस जगह पे, ठीक है, ताकि बीच में खूबसूरती पैदा हो, थोड़ा सा नीचे करते बीच में, यहाँ बस। अब ये वाली गलियाँ तीन, इनको हम डिलीट कर देते हैं, इनको हम मिरर कर देते हैं ऐसे, ये हमारी मिरर हो गई, ठीक है। अब देखो ये पीस बना हुआ नजर आ रहा है, ये देखो ये बीच में खूबसूरती हमने इस तरह पैदा की है, इस तरह बीच में खुद से खूबसूरती पैदा करनी पड़ती है ना, समझे मेरी बात को। अब हमने क्या करना है, इस काम को सबसे पहले सेव करना है, ताकि हमारा काम सेव हो जाए यहाँ पे ना, ये हमारा काम सेव हो रहा है, और अभी थोड़ा टाइम लेगा सेव होने में ना, क्योंकि थोड़ा पीस हैवी हो गया, अब ये सेव की कमान के अंदर ही है, थोड़ा सा टाइम लेगा ये,
अच्छा तो अभी हमारा भी यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हमें लगाना चक्का। चक्के के लिए हमने पहले लेना डुप्लीकेट एच, ठीक है, एक साइड का ले लिया। उसको हमने जस्ट यहाँ लिया, इसको ये साथ में जाके हम करते हैं ना प्रोजेक्ट टू सेव लेंगे, करने की जरूरत नहीं, ये सीधा सीधा चक्का है। अभी है क्वाड, क्वाड हमने कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया चारों कोने से डिटेक्ट हो, ये हो गया, ये हो गया। अब हमने इसको कर दिया ज्वाइंट, ये ज्वाइंट हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने लिया ऑफसेट कर, ऑफसेट ऑफ कर हम यहाँ से लेते हैं लुकिंग डाउन, प्रोस्पेक्टिव में सही नहीं आएगा लुक। जाके हमने इसका लेना है 0.7 ऑफसेट, ये 0.7 ऑफसेट लेने के बाद हमने इसको करना पैच, पैच। उसके बाद हमने इसको करना है ट्रिम, ये कर दिया। उसके बाद हमने इसको देना है ऑफसेट, ऑफसेट दे देते हैं हम इसको तकरीबन कोई एक है 0.8 दे देते हैं, 0.8 दे दिया, ठीक है। अब हमने इसको बीच का डिस्टेंस है ना वो हमने नापना है कितना, ठीक है। नहीं धन्य, तो बीच का डिस्टेंस है ना जी, ये ना हमने हमने वो नापना है इसका, यार वो कितना है हमारा, तो ये माइनस 0.8, ये माइनस 0.8 हमने कर दिया। उसके बाद जी फोन कर लीजिए यहाँ पे, ये गैप है 1.2, हमने इसका गैप कहाँ कहाँ है कम से कम। अच्छा वो जो एमएल की मोबाइल का कहा था ये इससे पहले 9.96, ठीक है। अब मैंने कहा था अब ये हमने क्या करना है इसका, एमएल की मोबाइल लेना था, हमने दोबारा डुप्लीकेट एज लेना है यहाँ से और यहाँ से, दोनों को पकड़ना, दोनों को पकड़ के लॉक कर देना। मोबाइल नहीं था एमएल के लिए, और फिर ये हमें थोड़ा सा इसको हमने यहाँ से थोड़ा सा ना इसको ऊपर कर देते, ये हमने मर्ज हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने इसको कलर दे देना है ये वाला, ये कलर दे दिया हमने इसको। उसके बाद ये है आइसोकर, आइसोकर पकड़ा, आइसोकर के बाद हमने एक यहाँ पॉइंट रखा और दूसरा पॉइंट हमने रखना है यहाँ पे आइसोकर ये, ठीक है। आइसोकर एक पॉइंट हमने रखा सेंटर में, ठीक है, यहाँ पे रखा एक पॉइंट, दूसरा हमने रखा इसके यहाँ पर, ठीक है। तो एक हमने रखा पॉइंट इसके यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद हमने इसको यहाँ से ये पॉइंट ये पकड़ के डिवाइड कर दी, ठीक है। और यहाँ जाके हमने क्या करना है, इसको हमने ऑफसेट सरफेस करना है 0.45, सॉरी, ठीक है। इसको ग्रुप करा, इसको क्वाड कर दिया, एक सेकंड, ये देखो, ठीक है, ये सारा हमारा हो गया। इसको ग्रुप करा, इस चक्के को ग्रुप करा, एक मिनट और ये हमारा पीस हमारा मुकम्मल हो गया, ठीक है। ये हमारा यहाँ से ये देखो, समझ में आई, अभी हमने चक्का लगा लिया इसका, अभी हमारा पीस जो है मुकम्मल हो चुका टोटल।
कंप्लीट हो गया। अब इसमें जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बेल स्पोर्ट लगाई थी ना, बेल स्पोर्ट से स्पोर्टे लगाई के बीच जोड़ा था हमने, अब बस वो हमने करना है, बाकी हमारा जो काम है ना ये हमारा मुकम्मल हो गया। ठीक है, सर्विस का पीछे रहेगा बेल स्पोर्ट का काम, बेल स्पोर्ट लगानी है हमने, बेल स्पोर्ट लगाने के बाद हमारा पेज मुकम्मल है कम्प्लीट। कोई सवाल है तो पूछ लो। भाई जो कांटे बने ना हमने, कौन से कांटे के नीचे नहीं, वो नहीं बनेंगे, वो अभी नहीं बनने, वो बाद में बनने, ये सरू हमारा नीचे रहेगा ना, हम इसको ऊपर करेंगे। ठीक है, अब हम इसको इधर मिरर कर देते सरू को, ये हमारा मिरर हो गया, ये हमारा बेस मुकम्मल हो जाके हमारा नीचे कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हमने इसको बेस बोर्ड लगानी, बेस बोर्ड लगाने के बाद ये हमारा पीस जो है ये कंप्लीट। ठीक है, कोई सवाल है तो पूछ लो अभी। नहीं कोई नहीं, ठीक है, समझ आई यहाँ तक? चलो ठीक है, फिर जब ये अब नेक्स्ट स्टेप, जब ये अगला काम आएगा फिर मैं तुम्हें इसमें नेक्स्ट में बताऊंगा कि नेक्स्ट काम हमने कैसे बनाना है। ठीक है।